तो फाइनली तुम छिले हुए अंडे बन गए, और इतना वाहिया छकल लग रही बाय गॉड, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का दिन क्या होने वाला है वी रियली डोंट नो। और मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं कर पा रही थी बिकॉज लैला की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब है, उसकी वजह से सीरियसली कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बट एज आई हैव कमिटेड माई सेल्फ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, तो इसीलिए आई एम बैक विद ब्लॉग्स। और मेरा गला इसलिए ख़राब है क्योंकि कल मैंने मैंगो शेक पी लिया था काफ़ी ज़्यादा आइस वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया। अभी मुझे एक्चुअली अपने लिए ये टिंटेड लिप बाम बनाना है बिकॉज मेरा लिप बाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अभी मैं ले जाने की सूरत हाल में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके ला सकूँ। तो इसीलिए चलो ट्राई करते हैं कि लिप बाम बनाने का, अगर बन जाता है तो अच्छा है, और नहीं बनता तो फिर कोई मजबूरी है, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा। सो लेट्स मेक द लिप बाम, और उसके बाद देखते हैं कि दिन में आगे और क्या होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे पैन गरम कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें वैसलीन मेल्ट करूँगी, और फिर ये मेरे पास एक पुरानी लिपस्टिक है, मुझे पिंक शेड पसंद है डेली बेसिस पे, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करूँगी और देखते हैं कि ये जो ट्रिक है वो काम आती है या नहीं आती। अभी पेट्रोलियम जेली जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हो। और अब मैं इसमें ये लिपस्टिक थोड़ी सी ऐड करने वाली हूँ, उसके लिए मुझे इसे थोड़ा कूल डाउन होने रखना होगा बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी। ये वैसलीन नहीं है, ये इमामी की वैसो केयर है, बट इट्स अ पेट्रोलियम जेली। वैसलीन इसलिए कहा बिकॉज़ एज़ यूजुअल जैसा कि इंडियंस की आदत होती है, हर नूडल मैगी है और हर पेट्रोलियम जेली वैसलीन है, तो इसीलिए ये भी वैसलीन ही है। तो अभी बस इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, देन फिर हम लिपस्टिक को ऐड ऑन करेंगे इसमें, और फिर होपफुली कि ये जो है फॉर्मूला वो काम आ जाए। सो लेट्स सी कि होता है या नहीं होता ना। इसमें ये डाल लिया इसी की बॉटल में, और ये जो लिप वॉन्ड है ना इसमें एक्स्ट्रा लिपस्टिक ऑलरेडी लगी हुई थी, बस अब उसी को मैं इस मेल्टेड पेट्रोलियम जेली में मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और फिर मैं इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। ये कुछ वैक्स जैसी हो जाती है, मतलब ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल जमना शुरू हो रही है, और इसको अच्छे से मैं इसमें लिपस्टिक मिक्स कर रही हूँ जिससे ये टिंटेड हो जाए, और फिर मैं इसको फ्रीज़ होने रख दूँगी। सो होपफुली ये वर्क करे, देखते हैं। तो अब ये हो गया, और अब हम इसको बंद करेंगे एंड अब इसको फ्रीज़र में रखना है। अभी थोड़ा सा गर्म है बट चलते हैं। तो अभी ये फ्रीज़र में गया एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम ताकि ये पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाए, और तब तक के लिए हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है और वेट करते हैं आगे क्या होता है दिन में उसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो फाइनली तुम छिले हुए अंडे बन गए, और इतना वाहिया छकल लग रही बाय गॉड, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मुझे छीलना है ना। वो आर्मी वाले होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जवान अच्छी है। भाई नहीं, चंद्रशेखर आजाद है ना, ऐसे साइड में ऐसे वाला पोज दे, इधर 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 वाला, इधर वाला, हाँ थोड़ी चिन डाउन, हाँ चंद्रशेखर आजाद ऐसी लगते थे, बस धोती की और जरूरत बंदूक शराफत से मुझे हटा दे, वरना तो उठा के फेंक दूंगी। हट, ऐसे कहते हैं नंदू मुझे, नंदू सबका बंधु, जेठालाल की कहा है, जेठालाल की इतनी इतनी है, इतनी है बस इतनी है। अच्छा तो जेठालाल हो गया सीन,
अब तुम शराफत से क्लीन शेव हो गए या नहीं होंगे? जंगली लगे तुम इंसान, छिला हुआ अंडा है ना, इसे कहते हैं छिला हुआ, दो दिन बाद देखता, छिला हुआ अंडा। दुनिया की सबसे मिर्ची वाली चीज खा लेना तू। आप कितनी खा लेगा ऐसे जैसे, ये बता तू मुझे एक साथ। सो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे सडनली बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने लेमनेट बनाया। ऑल दो मुझे नहीं पीना चाहिए, मेरे मम्स अभी भी स्वेल्ड है और मुझे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, बट आदत से मजबूर। मौसम आज का बड़ा अजीब है, 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि मे बी बरेली में भी तूफान आ सकता है या व्हाटएवर जो भी था, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और बारिश भी नहीं हुई, बट जबकि दोपहर से ही ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश वाला सीन रह रहा है। सो ये है फिलहाल और देखते हैं होता है क्या, आता है या नहीं आता, क्योंकि सब जगह तो तूफान ने बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर रखी है। हो भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की होती है, तुरंत चली जाती है लाइट और उसके बाद में फिर 48 आवर्स और 2-3 दिन नहीं आती है, और इन्वर्टर भी एक हद तक चलता है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यूपी में लाइट ना वैसे सही है, बट इस टाइप के सिनारियोज में लाइट का हाल बहुत बुरा रहता है। सो अभी फ़िलहाल मैं लेमिनेट इन्जॉय कर रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे और देखते हैं क्या करना है आज। और सो से मैंने ना मेरे रूम में ये एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है, एक्चुअली ये एयर प्योरीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो इसकी स्ट्रैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो अब मैं इसको कट करके इसको इसी में और लगा दूंगी ताकि इसकी और रूट्स बन जाए। ये एक्चुअली लीव से हो जाता है ऐसा सुना है मैंने, पक्का नहीं पता मुझे, बट हो जाता है, तो फिर मैं इसको यहाँ से कट करके इसको इसी सॉइल में एडअप कर दूंगी ताकि ये थिक हो जाए, लंबा होने की बजाय ये ऐसे बढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये एयर प्योरीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो और ये जो पॉट है ना, मैं इसको भी पेंट करने वाली हूँ, बिकॉज ये पुराना डालडा घी का डिब्बा था जिसमें मैंने सॉइल भर के इसको लगा लिया अपने रूम में। पॉट अवेलेबल है नहीं अभी, क्योंकि अभी लेने जाने में मतलब कोई शॉप्स है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना था। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, और देखते हैं अभी इसको कट करेंगे। ये अभी कट कर दिया मैंने इसको यहाँ से, और ये सारी मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो इसमें रूट आती है नहीं आती कुछ कंफर्म नहीं है, बट होपफुली आ जाए तो ये और थिक हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। मेरा अभी सीरियसली मन नहीं भरा लेमिनेट से, मुझे और ज़्यादा पीना था बट नहीं पी रही, वरना फालतू में तबीयत ख़राब हो गई तो मम्मा से डांट पड़ेगी। मुझे ना एक और पेड़ लगाना है अपने रूम में, विच इज़ दिस वन। ये जो पेड़ है ना, ये इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, और ये भी रूम के एयर प्योरीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको ना किसी भी सनलाइट या बहुत ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती, बहुत ईजीली ये हो जाता है, क्योंकि पापा के रूम में लगा हुआ है एंड उसमें तो डबल हो गया है वो, मतलब जितना वो लगाया था उससे और ज़्यादा एक पार्ट उसका निकल आया, तो इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये मैं कल लगाने वाली हूँ। इसकी सॉइल मैंने ऑलरेडी करके रख ली है एक पॉट में, बट अब इसको कट करके इसका भी लीव्स लगानी है, क्योंकि इसमें भी जो लीव्स हैं उन्हीं से ये लग जाता है, उसी में प्रोपगेशन हो जाता है, तो अब ये काम हम कल करेंगे। सो अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और हम कल मिलते हैं कल के व्लॉग में और देखते हैं क्या मस्ती होती है। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक माय वीडियो, कमेंट, शेयर, और बताओ जो आपको शेयर करना है मेरे साथ में, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग।